हम अगला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है एयर पोल्यूशन। आज हम बात करते हैं हर जगह टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। इस प्रदूषण से वाकई में हम लोगों को क्या मतलब है, क्यों हम बात कर रहे हैं जब वेलनेस कौन हो रही है, कि वेलनेस का मतलब ही क्या है। सिर्फ ये कि हम अपेरेंटली बीमार नहीं हैं, क्या हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे वेलबींग को इफेक्ट करते हैं वो हमारे लिए बीमारी हो जाती है। अपेरेंटली आपको लगेगा नहीं कि आप बीमार हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, द इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, हेल्थ इफेक्ट्स, इसके लिए न्यू दिल्ली से हमारे बहुत ही सम्मानित इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं हमारे बीच में, और मैं साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को चेयर करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी जो IIT से प्रोफेसर हैं, मैं दोनों लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। पहले मंच पे आएं, जोरदार तालियों से आप लोग जरा स्वागत करें डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी जो चेयर पर्सन। डॉक्टर त्रिपाठी के बारे में बता दूं, ये IIT प्रोफेसर में प्रोफेसर हेड है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने, और ये इस खास सेशन के लिए ही इज अ वेरी बिजी मैन, और इनका ही इज एक्सपर्ट ऑन एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट। तो जरा जोरदार तालियां बजती रहे जब तक वो बैठ ना जाए। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इनको प्रेस्टीजियस SS भटनागर प्राइज, जो हाईएस्ट होता है साइंस टेक्नोलॉजी में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। और ये फेलो है नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ इंडिया। हम आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी इस इम्पॉर्टेंट सेशन पे। और जो प्रोफेसर अरविंद कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार पेशे से एक सर्जन है, एक शल्य चिकित्सक है, और गर्व की बात है कि ये हमारे कानपुर से भी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। इनकी शिक्षा तो पहली शुरुआती इलाहाबाद में हुई थी, बाद में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चले गए, फिर वहीं के होके रह गए, बड़े मेधावी छात्र रहे, और इन्होंने कई दशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट और लेक्चरर, और वहां से प्रोफेसर होने तक। उसके बाद में अभी ये सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो देश का जाना माना अस्पताल है, उसमें ये थोरेसिक सर्जन है, रोबोटिक सर्जन है, और अभी करेंटली ये एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सर्जन्स की ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो डॉक्टर्स को सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया जाता है, द BC रॉय अवार्ड, वो भी आपको मिल चुका है। मतलब अनगिनत अवार्ड है, मैं गिनाना चाहूँ, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं, पॉल्यूशन की बात इसलिए करते हैं कि ये चूंकि थोरेसिक सर्जन हैं, और इन्होंने जब ऑपरेशन करते हुए बहुत सारे सैकड़ों और हजारों फेफड़े देखे, फेफड़े का रंग वैसे गुलाबी होता है, लेकिन इस प्रदूषण ने इनको इतना मूव किया कि इन्होंने अल्टीमेटली ये ठान लिया कि अगर ये प्रदूषण का हाल है तो हम जरूर इसके ऊपर काम करें। और इन्होंने अपना बहुत सारा समय इसके लिए समर्पित किया है, और एक लंग केयर फाउंडेशन का इन्होंने स्थापना की, जिसके ये फाउंडर ट्रस्टी हैं। सौभाग्य से इन्होंने मुझे भी उस पर जोड़ा, मैं UP चैप्टर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और आज शायद हम सब इनकी टॉक सुनने के बाद इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये मुहिम कोई खास गवर्नमेंट की या किसी एक बॉडी की नहीं हो सकती, बिकॉज ऐसा हम में से कोई भी नहीं है जो सांस ले, हवा अंदर खींचे बगैर या सांस लिए बगैर जी सके।
अगर हम सांस लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौन सी सांस ले रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और जब खराब क्वालिटी की हवा में हम सांस लेते हैं तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों को जानने के लिए हम आज एक एक्सपर्ट को पाते हैं अपने बीच में। आप सुनेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। ही इज सो पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, और इसको इन्होंने बहुत इंटरनेशनल लेवल तक, इन्होंने WHO और कहां कहां नहीं इसको लेके गए हैं, और इसके ऊपर हमें बड़ी आशाएं हैं। हम इनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनकी मुहिम में कितने लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डॉक्टर अरविंद कुमार। माननीय डॉक्टर मिश्रा, माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी, डॉक्टर कटियार सर, फ्रंट रोज में बैठे हुए माननीय अतिथिगण, और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे यंग साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इसी प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने GIC इलाहाबाद से 12वीं तक शिक्षा ली है और उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 35 वर्ष बिताए और अब गंगाराम अस्पताल में हूँ। UP मेरा मदर स्टेट है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरी ससुराल भी इसी शहर में है। आपका दामाद आपके बीच खड़े होकर आपके साथ, दामाद कहिए या जीजा जी कहिए, बड़ों का दामाद और बाकियों का जीजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही अहम टॉपिक है ये, और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा डॉक्टर कटियार का, डॉक्टर मिश्रा का और डॉक्टर त्रिपाठी का कि वो इस प्रोग्राम में उन्होंने इसको वक्त दिया। और बहुत किस्मत की बात है कि यहाँ पर 50 प्लस उम्र की जगह लेस देन 50 के उम्र के ज्यादा लोग हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारे देश का भविष्य हैं और आपका ये टॉक सुनना हमारे शहर और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबका बहुत बहुत मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आपको वायु प्रदूषण के बारे में, उसका स्वास्थ्य पे क्या बुरा असर पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आज इस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए एक प्रतिज्ञा करेगा। जो भी प्रतिज्ञा नहीं करेगा उसको इस हॉल से निकलने नहीं दिया जाएगा। आप गेस करिए हम लोग 24 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं। हम लोग 24 घंटे में 25,000 बार सांस लेते हैं, और उस प्रक्रिया में हम 10,000 लीटर हवा अपने फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। जब मैंने इलाहाबाद में स्कूलिंग और कॉलेज में पढ़ा था तो हमें बताया गया था कि 79% नाइट्रोजन होती है, 20% ऑक्सीजन होती है, लेकिन आज जब हम हवा की बात करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस मैटर, और पार्टिकुलेट मैटर में PM10, PM2.5 और PM1, और गैसियस मैटर में सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हम इन सब चीजों की बात करते हैं। तो पिछले कुछ दशकों में हमारी हवा का ये इतना बदलाव क्यों आ गया है, हमारी हवा में इतना प्रदूषण कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका क्या कुप्रभाव हो रहा है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अखबारों में अक्सर पढ़ा होगा PM2.5, PM10, 1 PM को तो आप सब लोग जानते हैं जो हमारे देश के शीर्षस्थ नेता हैं, लेकिन आजकल उन पीएम के साथ साथ इन पीएम की भी बहुत ज्यादा बात होती है, 2.5 और 10। ये पार्टिकुलेट मैटर है, कुछ कण है जो वायु के अंदर होते हैं, इनको 10 माइक्रोग्राम का हो तो PM10 कहते हैं, 2.5 माइक्रोग्राम का हो तो 2.5 कहते हैं। एक बाल हमारा 40 से 50 माइक्रोन का होता है, तो आप सोच सकते हैं कि PM10 उसका 1/4 और 2.5 कितने गुना कम होगा, यानी इतना छोटा पार्टिकल है कि ये हमारे सांस के अंदर चला जाता है। तो ये तो हुई एक टर्म
PM 2.5 और PM 10। एक और टर्म आप अक्सर सुनते होंगे, AQI। अब AQI और PM एक ही चीज नहीं है। AQI एक फिगर है जिसको 6 चीजों के लेवल की एक एल्गोरिथम से डिराइव किया जाता है। PM 10 का लेवल कितना है, 2.5 का लेवल कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, इन सब चीजों को लेवल को मिला के एक जटिल कैलकुलेशन के द्वारा ये एक हमारे वायु की गुणवत्ता को दिखाता है। लेफ्ट साइड में ग्रीन, येलो और ऑरेंज ये ठीक लेवल्स हैं और राइट साइड में रेड से लेकर ब्लैक तक ये गंदे लेवल्स हैं। बड़े दुख के साथ मुझे आपको सूचित करना पड़ता है कि मेरे प्रेजेंट शहर दिल्ली में और मेरी ससुराल कानपुर में, दोनों में ज्यादातर समय हमारी वायु राइट साइड के लेवल्स पे रहती है बजाय लेफ्ट साइड के लेवल्स पे। तो क्या इस तरह की गंदी हवा में सांस लेने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है? ये मेरे जीवन की समरी है। मैंने 1988 में एम्स में लंग सर्जरी शुरू की थी और पिछले साल गंगाराम में मैंने एक डेटा एनालाइज किया। 1988 में लंग कैंसर के 90% मरीज स्मोकर होते थे और लास्ट ईयर जब मैंने अपना डेटा देखा तो ये फिगर 90% से घटकर 50% पे आ गई है। यानी आज हर 2 में से 1 पेशेंट मेरा लंग कैंसर का नॉन स्मोकर है। उस समय मेरे ज्यादातर मरीज 50-60 की उम्र के थे, आज मेरे पास ज्यादातर 40 के हैं, 10% मरीज 30 साल के हैं। और आपको बड़े दुख के साथ सूचित करता हूं कि अभी मैंने 2 महीने पहले 28 वर्ष की स्मोकिंग न करने वाली नॉन स्मोकर फैमिली से आने वाली एक महिला का डायग्नोस किया जो शायद 1 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। 28 वर्ष की नॉन स्मोकिंग महिला में लंग कैंसर। आप एक बार अगर अपनी ओपीडी में ऐसा माहौल देख ले, उसके पेरेंट्स उसकी शादी करने जा रहे थे क्योंकि उसको एक मल्टीनेशनल में बहुत अच्छी नौकरी मिली थी और एक डॉक्टर ने उसको पेरेंट्स को बताया कि भाइयों आपके पुत्री को लंग कैंसर है। वो मेरे से लड़ने लग गए, डॉक्टर साहब हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, यू आर मी, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। मैंने बड़ी विनम्रता से उनको बताया कि मैं 3 दिन से हर रिपोर्ट को स्वयं क्रॉस चेक 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 क्रॉस चेक कर चुका हूं क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सारे टेस्ट को चेक करने के बाद जब मैं फाइनल पहुंचा निर्णय पे तो उनके साथ शेयर करना पड़ा। 2-3 दिन तक वो ओपीडी में आके मेरे साथ रोते रहे, डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, और मेरे पास भी आंसर नहीं था कि कैसे हो सकता है। आप खुद सोचेंगे ये क्यों हो सकता है। मेरे उस समय बहुत कम महिलाएं होती थी, आज 40% पेशेंट महिलाएं होती हैं। और एक फोटो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें लंग की फोटो होगी, वो इस सारी कहानी को 2 फोटोज में बयान कर देगी। तो ये उस महिला की कहानी है जो कुछ समय के बाद शादी करवाने की जगह शायद 1-1.5 साल के बाद उसके पेरेंट्स को उसको रुखसत करना पड़ेगा। कितने दर्द की बात है, क्यों हो रहा है इस पर हम विचार करते हैं। इस फोटो को मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने दिमाग में इसको इम्प्रिंट कर लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर हमारे फेफड़ों में ये हो रहा है। आपके बाईं तरफ जो फोटो है ये लंग की पिक्चर है, मैंने ऑपरेशन करते पे रियल लाइफ लंग की इमेज है। बाईं तरफ की इमेज नॉर्मल लंग की है जैसा कि हम जन्म के समय होता है, पिंक गुलाबी हंसता हुआ फेफड़ा। जो राइट साइड में है वो 30 साल पहले मैं स्मोकर्स में देखता था, लेकिन भाइयों और बहनों यह पिक्चर कुछ वर्ष पहले दिल्ली के एक नॉन स्मोकर की है। यानी दिल्ली के अंदर या आपके शहर के अंदर नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स के फेफड़ों में कोई फर्क नहीं रह गया है। लोग कहते हैं कि ये तो दिल्ली की समस्या है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आज की तारीख में एक्चुअली दिल्ली का नंबर तो पहले 10 शहरों में नहीं है। आज सुबह की फिगर है कि कटनी शहर मध्य प्रदेश में वो AQI के मामले में नंबर 1 पे था। मैं दैनिक जागरण की फिगर आज सुबह की कोट कर रहा हूं और कानपुर शहर आज सुबह नंबर 2 पे था। बधाइयां आप सब, तालियां बजाइए ना, अपने शहर के फेलियर पे तालियां बजा रहे हैं आप। बच्चों ये तालियां बजाने का नहीं, ये सीरियस चिंतन करने की विषय है, सीरियस चिंतन। आप सब लोगों का भविष्य इस शहर से जुड़ा है,
आपको इस चीज को अपने हाथ में लेना है और आपको इस चीज को सॉल्व करना है। अब आते हैं कि क्या ये हमारे स्वास्थ्य पे असर डालती है। एक फिगर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग याद रखें हमेशा कि स्वास्थ्य पर दुष्ट परिणाम के एंगल से 22 माइक्रोग्राम PM2.5 एक सिगरेट के बराबर होता है। यानी कि अगर आपने अपने शहर में सांस ली और वहां पर लेवल करीब 110 माइक्रोग्राम है PM2.5, दिल्ली शहर में पिछले पूरे वर्ष का एवरेज 165 के आसपास था, अभी पिछले 10 दिनों में तो हम 700, 800, 900, 1000, 1200 के करीब घूम रहे थे। उसको 22 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी सिगरेट आप सबने पी है। कल आपके शहर में करीब करीब 300 के करीब था 2.5। डिवाइड करिए 22 से, आपको फिगर मिलेगी 12 से 14। इस कमरे में बैठे हुए हर व्यक्ति ने पिछले 24 घंटे में 12 से 14 सिगरेट पी हैं। आप पुरुष हो या महिला, बड़े हो या बच्चे, आप सब ने 12 से 14 सिगरेट पी हैं पिछले 24 घंटे में। बधाइयां आपको। इसीलिए मैंने ये बॉटल बनाई है। जब एक नवजात पिछले 24 घंटे में कानपुर शहर में जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं, क्या उनको आर्टिफिशियल हवा दी जा रही है? हाँ या ना? नो। वो वही हवा में सांस ले रहे हैं जो आप और हम ले रहे हैं। तो अगर उसमें 10 से 12 14 सिगरेट के बराबर धुआं है, तो क्या उन्होंने वो धुआं नहीं लिया? उन्होंने भी लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में तो नवजात शिशु अपनी पहली सांस से स्मोकर बन जाते हैं। हम उनको दूध की बॉटल में दूध की जगह सिगरेट पेश करते हैं। 51 children are born every minute in our country and we add 51 new born smokers to our country. कितना इंपैक्ट होता है? इसका जबरदस्त इंपैक्ट होता है। अब ये बहुत अहम पिक्चर आ रही है, इसमें आपको उन अंगों को दिखाया जाएगा जो अंग इफेक्ट होते हैं। इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ ये वाले अंग हमारे इफेक्ट होते हैं पॉल्यूशन से, सिर्फ ये वाले अंग। ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखिए, कोई अंग बचा है? हाँ या ना? बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका असर तो खाली बड़ों में होता होगा, तो कृपया आप लोग इस पिक्चर को भी ध्यान में रखिए। यह एक नवजात शिशु की पिक्चर है जो अपनी मां के पेट में अभी पल रहा है। हमारे प्रदूषण का असर इस उम्र से शुरू होता है। एक गर्भवती महिला जब एक पॉल्यूटेड शहर में पॉल्यूटेड हवा में सांस लेती है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस उसके अंदर जाते हैं, वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो नवजात शिशु में भी अपना नुकसान शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का नुकसान पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है। मां के थ्रू आता है और जैसे ही बच्चा बाहर आके सांस लेता है, उसकी सांस के थ्रू आने लग जाता है। लोग पूछते हैं कि किस किस पे इसका असर होता है। सांस पर असर होने के लिए केवल एक रिक्वायरमेंट है, आपको सांस लेना चाहिए। वो हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है उसके ऊपर वायु प्रदूषण का कुप्रभाव होगा। और इसी में इसका आंसर भी छुपा है कि बहुत से लोग मुझ पर पूछते हैं, डॉक्टर अरविंद हमें एक फूल प्रूफ तरीका बताइए जिससे हम अपना बचाव कर सके। मैंने कहा बहुत सिंपल, 100% फूल प्रूफ तरह का तरीका है, सांस लेना बंद कर दो। नो ब्रीदिंग, नो हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस करके देखिए। अनबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड एल्डरली आर द वर्स्ट अफेक्टेड। ये देखा आपने लंग पर, पिंक लंग जैसा हम पैदा होते हैं। एक नॉन स्मोकर का चिल्ड्रन, ऊपर से अगर वो स्मोक भी करे तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है, हम अपने सुंदर से फेफड़े का ये हाल कर देते हैं। बहुत सी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने, अब मैं कुछ स्टडीज को जल्दी जल्दी रन करूंगा, इसमें ये साइंटिफिक पेपर है लेकिन मैं आपका समरी बताता रहूंगा। बच्चों में इसका पोल्यूशन का असर ये होता है कि ये हमारे लंग की डेवलपमेंट को कम कर देता है। यानी जो बच्चे प्रदूषित शहर में पले और पड़े हैं, बड़े हुए हैं, उनका लंग फंक्शन अपनी 100% कैपेसिटी तक डेवलप नहीं होता। एनफ स्टडीज ने इसको प्रूव किया हुआ है और हम भी इस पर एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपके शहर के 1000 से ऊपर बच्चों को हम स्टडी कर रहे हैं। उसका रिजल्ट हम आपको बाद में बताएंगे, बट ये एक प्रूव साइंटिफिक फैक्ट है। जो गांवों में लोग चूल्हा जलाते हैं, वहां जब बच्चे उस कमरे में बैठते हैं तो वो तो सैकड़ों सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल करते हैं और इसीलिए
वहां लाखों की संख्या में बच्चे न्यूमोनिया के कारण मरते हैं। ये बीमारियां हैं एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एम्फिसेमा, टीबी, लंग कैंसर, इतनी सारी बीमारियां होती हैं। बच्चों में ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, बड़ों में 5 से 10 गुना हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। जब ब्रेन की बात करते हैं हम, तो ब्रेन के अंदर बच्चों में अब स्टडीज हैं कि पॉल्यूटेड शहर में बच्चों का आईक्यू डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। इसको कहते हैं कॉग्निटिव लॉस ऑफ फंक्शन इन चिल्ड्रन। ये प्रूफ फैक्ट है, बड़ों में 5 से 10 गुना ब्रेन अटैक यानी पैरालिटिक अटैक का इंसिडेंस है। इसमें डीजल का रोल है, लेड का रोल है, आर्सेनिक का रोल है, मर्सरी का रोल है, सब चीजों का रोल है, लेकिन नेट इफेक्ट ये होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट। लेटेस्ट रिपोर्ट शो करती है कि पॉल्यूटेड शहर में बच्चों में डायबिटीज ज्यादा हो रही है और पॉल्यूटेड शहर में बच्चों में ओबेसिटी भी ज्यादा हो रही है। तो आप अगर देखेंगे, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सबको मालूम है कि पॉल्यूटेड शहर में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें जलती हैं, हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में एलर्जी इत्यादि। तो आप देखिए, ग्रोइंग फीटस से लेकर लंग से लेकर हार्ट से लेकर वेसल से लेकर एंडोक्राइन से लेकर ब्रेन तक कोई अंग हमारे शरीर का ऐसा नहीं है जिसमें इसका असर ना हो। और इसमें WHO की फिगर्स हैं कि 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर प्री मैच्योरली, समय से पहले मृत्यु बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। इतनी बुरी हालत है इसमें। दूसरा चीज, सब लोग कहते हैं कि खाली मृत्यु नहीं होती है, जब हम नॉर्मल होते हैं और हमारे लंग्स या बाकी अर्गन खराब होना शुरू होते हैं तो पहले हम थोड़े से बीमार होते हैं, हम उसको सहन करते रहते हैं, फिर और बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फीस देते हैं, दवा का खर्चा करते हैं, फिर और बीमार होते हैं तो हमें इमरजेंसी जाना पड़ता है, हम भर्ती होते हैं, उसके बाद बार बार भर्ती होते हैं और अल्टीमेटली डेथ होती है। तो डेथ से पहले आप ट्रीटमेंट पर जो डायरेक्ट खर्चा करते हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चा फैमिली का लॉस होता है, उस सब पे वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भारत जैसा पॉल्यूटेड देश पॉल्यूशन की वजह से अपने GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 7% लूज करता है हर साल। डेथ एक नंबर है, मैसिव इकोनॉमिक लॉस ये दूसरा नंबर है। तो मैं आपको समराइज करना चाहूंगा कि एयर पॉल्यूशन इज ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। मुझसे सब लोग पूछते हैं सर हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का काम है, सरकार कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, विश्व के किसी भी देश में सरकार के स्टेप्स खाली उस मात्र से पॉल्यूशन की समस्या हल नहीं हुई है। सरकार अपने स्टेप लेगी, लेकिन पॉल्यूशन इज डन बाय पीपल, पॉल्यूशन इज नॉट डन बाय गवर्नमेंट। वी द पीपल are the polluters and we the people have to provide the solution to pollution. Government will do its job, lekin agar hum haath pe haath dhare reh ke baithe rahe aur sochte rahe sarkar kuch karegi to swasthya to hamara kharab ho raha hai, mar to hum rahe hain, isliye hame kuch karna padega. Ab thode se steps dekhte hain. Bahut se log kehte hain agar hum kamre ke andar rahe to hum par asar nahi hoga. So brothers and sisters, kamre ke andar ki hawa to bahar se hi jaati hai. तो ये एक मिथ है कि आप अगर कमरे के अंदर हैं या आप कार के अंदर बैठे हैं तो आपको असर नहीं होगा। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है एयर प्योरीफायर की। एयर प्योरीफायर एयर कंडीशनर की तरह है, उसमें एक फैन होता है, वो हवा को खींचता है, एक फिल्टर से गुजारता है और उसको फिल्टर से गुजार के बाहर कर देता है। इतने बड़े हॉल में अगर मैंने 1 या 2 टन का 1 या 2 AC लगा दिया तो क्या ये हॉल ठंडा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमें एयर प्योरीफायर के लिए सबसे पहले तो उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ती है, दूसरे उसमें फिल्टर चोक हो जाता है, उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, तीसरा हमें डोर और विंडोज बंद करने पड़ते हैं, चौथा हम एक कमरे के अंदर बंद रहकर क्या अपनी बाकी सारी जिंदगी बिता सकते हैं? आप इस कमरे में लगा दीजिए एयर प्योरीफायर, लेकिन आप बाहर निकले तब तो आपको काम नहीं करेगा। तो इसके बारे में मैं आंसर ये करूंगा कि ये हेल्प करता है एयर प्योरीफायर। वैसे ही मास्क है, जब आप ऑर्डिनरी कपड़े का मास्क लगाते हैं या सर्जिकल मास्क, उससे कुछ नहीं होता। अगर आपको फायदा चाहिए तो एक N95 स्पेसिफिकेशन का मास्क आता है जिसमें स्पेशल फिल्टर होता है,
वो पार्टिकुलेट मैटर को रोकता है, लेकिन उसको आपको बहुत ही स्नगली फिट करके लगाना पड़ेगा जिससे आपका नाक और मुंह पूरी तरह से कवर हो। और उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप आधे घंटे से ज्यादा लगाएंगे तो उसमें स्वयं सांस फूलने की टेंडेंसी होती है और लोग प्राय उसको हटा के गर्दन के सामने कर देते हैं, जिसके बाद वो कोई फायदा नहीं करता। तो समरी में मास्क और एयर प्योरिफायर, दीज हेल्प सम पीपल, माइंड दीज वर्ड्स, सम पीपल, those who can afford it, for some time, as long as you are inside a room, to some extent, अगर बाहर की हवा PM 2.5 700 है, तो आपकी अंदर air purifier उसको 15 या 20 नहीं कर देगा, वो उसको शायद आधा कर देगा, कुछ कर देगा, थोड़ा सा फायदा। तो some people, for some time, to some extent, so it's a temporary solution or permanent way of shrugging the responsibility. मैं कहता हूँ कि एयर प्योरीफायर की बात ना करिए, क्योंकि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग खाना खाए बिना 21 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना 5 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कितने देर रह सकते हैं? एनी गेस, गेस करिए, 3 मिनट। अगर 3 मिनट के अंदर हमको हवा नहीं मिली, आप सब सांस रोक के देखिए, अगर मैं कहूं कि आज खाना बाहर जो सर्व हो रहा है उसमें पॉइजन है, आप कहेंगे ठीक है हम लोग खाना नहीं खाते। मैं कहूंगा पानी जो है बाहर है उसमें पॉइजन है, आप कहेंगे खाना नहीं खाते। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा कि बाहर हवा में पॉइजन है, बाहर मत निकलिएगा, तो आप निकलेंगे भी और आप सांस भी लेंगे, क्योंकि हम सांस नहीं रोक सकते और हम हवा को, एयर प्योरीफायर को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। तो जो पानी की समस्या के साथ हमने किया कि हमने इंडिविजुअल सॉल्यूशंस ले लिए, बॉटल लेके चलने लग गए, वो चीज कभी भी वायु के साथ नहीं हो सकती। कल मेरे पास एक कंपनी के लोग आए, उन्होंने क्या किया है, एक बॉटल लिए, उसमें करीब 100 लीटर हवा को पैक कर दिया है अंडर प्रेशर, और मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब आप इसको रिकमेंड कर दीजिए। तो मैंने कहा इसमें कितनी सांस ले लेंगे हम? बोले जी इसमें करीब 15 मिनट तक आप सांस ले सकते हैं, आपको बड़ी प्योर लद्दाख की हवा मिलेगी। तो मैंने कहा 15 मिनट के बाद क्या करेंगे, फिर तो यही हवा में सांस लेना है, इससे क्या फायदा होगा? तो प्लीज लेट अस नॉट लुक फॉर दीज कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, लेट अस हिट एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें हवा को प्रदूषित होने से रोकना है। प्रदूषित हवा को साफ करने की कोई भी प्रक्रिया हमारे जैसे बड़े देश के अंदर नहीं चल सकती। प्लांट्स की बहुत जरूरत है, इसमें बनाए हुए हैं मदर इन लॉज टंग, एलोवेरा, मनी प्लांट, एरिका पाम, ये प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, आप इन प्लांट्स को जरूर लगाइए, इनसे PM 2.5 और बाकी सबको कम करने में बहुत मदद मिलती है। मैं एक स्लाइड पे आऊंगा जिसमें लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, तो ये है धू और धू, ये दो वर्ड याद रखिएगा। एक धू का मतलब धुआं, धुआं किसी भी सोर्स से आए, इंडस्ट्री से आए, वेस्ट बर्निंग से आए, कार से आए, क्रैकर से आए, किसी भी सोर्स से आए, अगर आपने एक छोटा सा स्टेप लेके 0.00001% धुएं में कमी कर दी, तो 1300 मिलियन लोग अगर इतनी कमी कर देंगे तो वो मिल करके एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी तरह से दूसरा धू है धूल, यानी धूल चाहे वो रोड से आए, चाहे डस्ट से आए, कहीं से भी आए, अगर आपको कहीं भी धूल दिखे और धुआं दिखे, अगर आपने उसमें छोटी सी भी कमी अपने इंडिविजुअल प्रयास के द्वारा ला दी, तो वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एज ए डॉक्टर, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं कोई आपको डराने नहीं आया हूं, एज ए चेस्ट सर्जन जिसने पिछले 30 साल से लंग्स पे ऑपरेट किया है और इसके भयावह परिणाम खुद देखे हैं, एक दुखी डॉक्टर अपनी व्यथा को आपके साथ शेयर करने आया है कि भाइयों और बहनों, यह एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इसमें कमेटी मीटिंग्स नहीं, हमें आज इसी वक्त इस पर कुछ ना कुछ मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है। चंद मिनट और लूंगा आपको लंग केयर फाउंडेशन के छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में। हमने इस फिगर को एक वीडियो के रूप में सर्कुलेट किया था जिसका काफी असर हुआ था। हमने बच्चों के साथ एक्टिविटीज करने के लिए एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ब्रीथ इजी स्टे टफ बेस्ट क्लब। ये हमने एक्टिविटी शुरू की थी दिल्ली में। हम तो हर स्कूल में जा जाके ये लेक्चर नहीं दे सकते, तो हम बच्चों को स्लाइड्स दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर मिश्रा की लीडरशिप में करीब 4-5 महीने पहले फरवरी में हमने आपके शहर में 25 स्कूल्स को लेकर के
कानपुर में बेस्ट क्लब्स की शुरुआत की हुई है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस बेस्ट क्लब मूवमेंट से जुड़े और अपने शहर की हवा को साफ करने में अपना सहयोग दें। एक और चीज हमने की थी जो शायद आप लोग अपने शहर में भी कर सकते हैं, हमने बच्चों को लेकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया। 5000 बच्चे दिल्ली के 35 स्कूलों के त्यागराज स्टेडियम में इकट्ठे हुए और वहां इकट्ठे होकर के उन्होंने एक ह्यूमन इमेज ऑफ लंग बनाई। भैया 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 हेलो साउंड साउंड कोई नहीं है यहाँ। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मेरी एक चाहत थी कि शायद ये एक्टिविटी आपके शहर में भी हो सकती है और इस एक्टिविटी से आपको अपने शहर वासियों का ध्यान आकर्षित करने में इस समस्या की ओर बहुत मदद मिलेगी और यह फिर पॉल्यूशन को एक फ्रंट लाइन में लाने में साबित होगा। चला दो प्लीज। नहीं चल रहा आप साउंड नहीं आ रही। चेक तो यहां लगी है। सर ये मेरा लैपटॉप है। चलिए मैं कमेंट्री दे देता हूं कि दिसंबर 2017 में हमने ये किया था जिसमें 35 स्कूलों के 5000 बच्चे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये 5000 बच्चे एक स्टेडियम में आए और ये इन्होंने पिंक रंग का ओवरऑल पहना और ब्लू कलर का, जो हमारा सांस की नली होती है वो दो भागों में बंटती है और वो दोनों फेफड़ों में जाती है, तो ब्लू कलर से हमने सांस की नली और दोनों नलियों को दिखाया और पिंक कलर से हमने फेफड़ों को दिखाया। और इसमें ये देखिए ये बच्चे दो पार्ट्स में बटे थे और इतना एंथुजियाज्म था इन बच्चों का कि हमने वहीं पर अनाउंस किया कि बच्चों आप सब हमारे लंग एम्बेसडर्स हैं और आप सब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली शहर के वो इसमें मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और धीरे 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 करके देखिए ये लंग, ये 70x70 मीटर की आकृति थी, फुटबॉल स्टेडियम का पूरा घेर लिया था जगह इन्होंने और उनकी पूरी टीम गिनीज की आई हुई थी। उनकी बहुत कठिन स्पेसिफिकेशंस होती हैं, आप देखिए अब ये आकृति पूरी हो गई, ये विंड पाइप है बीच में, दोनों तरफ उसकी लंग में जा रही है नलियां और ये दोनों तरफ पिंक लंग है। तो ये पूरा का पूरा लंग और उनकी एक वो थी कि 5 मिनट तक बच्चे स्टेबल खड़े रहेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। सबसे कठिन हुआ बच्चों को 5000 बच्चों को एक जगह खड़ा रखना। एनीवे बच्चों ने कोऑपरेट किया, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वहीं के वहीं उन बच्चों को, ये हमारा नहीं था ये उन बच्चों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने सबकी इसकी बहुत सराहना की और इससे इंटरनेट, अब ये देखिए सबसे सुंदर चीज थी ये बताइए कि ये कैसे हुआ होगा कि ये हम दिखा रहे थे कि ये लंग काला हो रहा है, बच्चों ने जो हुड पहना हुआ था वो एक तरफ के फेफड़ों में, बच्चों ने हुड को सर से उतार दिया तो जब हम ड्रोन से पिक्चर ले रहे थे तो काले बाल से एक फेफड़ा काला हो गया, एक पिंक हो गया। इसके द्वारा हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हमारे फेफड़ों में अंदर ये हो रहा है। ये कोई डराने वाली चीज नहीं थी, ये एक व्यथा को लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास था जिससे लोग जागरूक हों और इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो उसी के बाद ये बेस्ट क्लब बने थे जो आपके शहर में भी खुला हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इससे जुड़े। एक और संस्था है कि इसके साथ साथ अस्थमा का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है और हमने इसके बारे में भी एक मैनुअल बनाई है, हिंदी इंग्लिश और 12 और लैंग्वेजेस में है जो हम स्कूल्स में दे रहे हैं। तो किसी को भी अगर अस्थमा के बारे में बड़ी सिंपल भाषा में कुछ चाहिए या स्कूल के बारे में चाहिए तो lcf.org.in या लंग केयर फाउंडेशन खाली दे दीजिए गूगल पे, वेबसाइट पे 12 भाषाओं में ये पूरी की पूरी बुकलेट फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है।
आखिरी चीज जो मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनहेलर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बड़ी सिंपल भाषा में ये है पूरी की पूरी 12 लैंग्वेजेस में। एक और चीज जो हमने की थी कि हमने लोगों को बताने के लिए एक हीपा फिल्टर लेके ये आर्टिफिशियल लंग बनाया और इसको गंगाराम हॉस्पिटल में लगा दिया और इसके पीछे दो फैन लगा दिए और ये देखिए 5 दिन के अंदर क्या हालत हो गई लंग की। यही चेंज हमारे फेफड़ों के अंदर भी हो रहा है। लास्ट चीज हमने ये सोच के कि डॉक्टर्स अगर इस इशू पे बात करेंगे तो उससे लोगों में ज्यादा जागरूकता आएगी, तो डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर करके एक ग्रुप बनाया है और अगेन डॉक्टर मिश्रा आपके शहर में इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर और बेस्ट क्लब, ये दोनों एक्टिविटीज जो आपके शहर में है, आप प्लीज इसके साथ जुड़े और बजाय इसके कि हर समय दूसरों को कोसें, वो देखिए जब एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। अगर आज हम सब ये प्रण कर लें कि बजाय सरकार को या दूसरों को कोसने की जगह हम अपने लेवल पे माय सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन, धू और धू, इन दो चीजों को कहीं से भी देखकर अगर आप थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो भाइयों और बहनों अपने शहर को अपने देश को साफ करने की दिशा में वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ये करके आप किसी और का नहीं उनका फायदा करेंगे जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने बच्चों से। और सबसे ज्यादा कुप्रभाव वायु प्रदूषण का अगर किसी पे पड़ रहा है तो वो बच्चों पे पड़ रहा है। इसलिए अंत में मैं सब आपको फिर से डॉक्टर मिश्रा को, डॉक्टर त्रिपाठी को, डॉक्टर त्रिपाठी इस समय एक पूरे कंट्री में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो बना है उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसका एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। आप IIT में हैं, बहुत काम आपने प्रदूषण के एरिया में किया है, तो 18 डिफरेंट IITs को स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो डॉक्टर मिश्रा जैसे समय देने वाले व्यक्ति, डॉक्टर त्रिपाठी जैसे व्यक्ति आपके शहर में है। अंत में इस अनुरोध के साथ कि आप सब लोग, मैं आपसे कोई प्रतिज्ञा नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपसे विनती करूंगा कि इस हॉल से निकलने से पहले आप में से हर व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करे कि मैं आज से इस इशू की ओनरशिप अपने हाथ में लेके इसको अपनी समस्या मान के अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर करूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो वाकई में मेरा यहां आना और ये लेक्चर लेना पूर्णतः सफल होगा। एक बार फिर आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अरविंद। आई थिंक इतनी ज्वलंत समस्या वायु प्रदूषण की, उस पे जो विचार रखे, मेरे ख्याल से एवरीवन वाज मोटिवेटेड विद हिज पैशन एंड अबाउट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है हमारे प्रोफेसर अरविंद कुमार के लिए जो अपना प्रोफेसर के आज के जमाने में अपने प्रोफेसर और अपनी कंफर्ट को छोड़ करके जो मिशन के साथ लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का हम अभिनंदन करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अरविंद फॉर बीइंग ओवर हियर और थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना और मैं जानता हूँ कि आप में से तमाम सारे इस क्लीन एयर के एम्बेसडर होने वाले हैं। और इसके पहले हम डॉक्टर त्रिपाठी साहब के कुछ विचार सुने, इसमें मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर IJK सोनी जो हमारी टीचर भी रही हैं सीनियर गायनेकोलॉजी, प्लीज आप आ जाएं मंच पर, और डॉक्टर सारस्वत, संगीता सारस्वत, आप भी आए मंच पे, आपने भी सुना है इस लेक्चर को। और डॉक्टर त्रिपाठी साहब, जैसा डॉक्टर अरविंद ने बताया, ही इज प्रोफेसर फ्रॉम IIT कानपुर और IIT कानपुर बहुत कुछ कर रहा है इस एयर पोल्यूशन जैसे मीनार से निपटने के लिए, और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी साहब का बहुत विशेष योगदान है। मैं चाहूँगा कुछ शब्द कुछ इसके बारे में बताएं कि IIT और साइंस क्या कुछ कर सकता है इस वायु प्रदूषण जैसी भयानक समस्या से निपटने के लिए। डॉक्टर त्रिपाठी साहब, डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अरविंद कुमार जी,
distinguished doctors, faculty members from various medical colleges, faculty member of this university, students and other ladies and gentlemen. Definitely you heard a very powerful speech from a very powerful speaker, and I came to know about Dr. Kumar this year only. I mean, we had a chance to meet. There was a meeting organized in Delhi by Clean Air Alliance, Clean Air and Climate Alliance in Delhi, and we happened to meet, and after that we actually got a great bonding, and so much that subsequently there was another meeting in Delhi, and he came to me and he said that the kind of network he has created, as you see that Doctors for Air, it is such a powerful network which is present across the country. He wanted that network to be connected to a network, as Dr. Arvind Kumar just mentioned, which we have formulated to help government basically implement National Clean Air Program most effectively. And since then we have started, and when I came to know that Dr. Kumar is going to be here, and Dr. Mishra requested me, I said that this is of course a very important opportunity. Dr. Kumar already has talked a lot about the adverse impacts of air pollution. I just would add maybe two or three additional facts about that. One of them, he talked about that 5+ million people are prematurely dying because of air pollution. And it is true that this figure has not arrived at just out of the blue. Lancet, as all doctors and others know, that probably one of the most respected journals in medical sciences and otherwise, formed a commission 2 years back, and that commission had people from medicine, air pollution, governments, regulatory bodies, 25 most respected people across the world were part of that commission, and that commission has given a figure, maybe you like to visit, if you just type Lancet Air Pollution Commission. And you will find that they showed that air pollution is or has emerged as a single largest killer currently in the world. So it has actually surpassed every other disease, and even several years back, you know, water pollution, which would lead to several kind of epidemics, now has also been left behind. And in India alone, that number, that premature deaths are rising every year. So in fact, I might have an old number, that for last year it was 1.5 million plus people are dying in India alone because of air pollution. And there are several other associated numbers are coming. For example, that 7 or 8 years, that life expectancy, that if otherwise, let's say you have a life of X year, if you are exposed to these kind of air pollution, what we are seeing today, then your life is reduced by 6 years, some studies say 8 years. You may contest that exact number, but there is definitely a huge impact on the adult, but more on, as Dr. Kumar very eloquently pointed out, on the babies and the old people. And that data, what he was showing about the impact on lung, so I had a chance to talk to some of the people who are the best in lung cancer in the country, and of course very respected in the world. Tata Memorial Cancer Hospital, you know, this is the premier hospital related to the cancer in the country. So they have started a program, exactly what Dr. Kumar is telling, that they are looking into that increasing incidences of lung cancer in northeast and as well as some good part of Maharashtra. They have started program. So you can imagine that such a premier institution is taking it very seriously. So there is no two ways that air pollution is impacting in different ways. Now, just to give you a data, what Dr. Kumar just mentioned, that how it is impacting our GDP. So there has been a very powerful study, or impactful, by Duke University, which came out only 6 years ago. And that had showed, that if you can only cut down diesel particulate matter, that is, if we have, let's say, vehicle what we use,
If we can cut down the vehicular emission, only particulate matter, India can save $500 billion. So you can imagine that there are many other sources. We are just talking about one such source. Fortunately, or you can say that a good part what the government has done is that they have leapfrogged. So it is a good one thing what government has done, and a couple of other things I will also talk about, that what government and civil society and other can come together and join hands to do. But on the government part, if you see that they have leapfrogged from Bharat 4 to Bharat 6, and the reason being that current vehicles what we run on the road, be it car or anything, actually cannot be implemented with the diesel particulate filter. Okay, what you want is that you want to filter out particulate matter from the automobile, and the problem was that we did not have the required kind of fuel, because the fuel had very high sulfur, and to turn it to a low fuel or low sulfur fuel, that would have required 50,000 to 1 lakh crore. So that one thing what government did, and as you might be knowing that Delhi NCR already had implemented Bharat 6. So they had actually made this huge investment to go from Bharat 4, not to Bharat 5, but to jump ahead to Bharat 6. And what I'm hoping, as everyone is talking about Kanpur, that the young people and other distinguished citizens of Kanpur society and doctors who are present here, what we can do, and when I talk to even State Pollution Control Board in Lucknow, who are very keen to do something, by the way, but this is a problem of a different magnitude, you have to understand. What I'm trying to impress upon them, that NCR has done it, can UP take the lead and can go entirely to Bharat 6? And if not for the entire Uttar Pradesh, can we do it for the, let's say, the Kabal town, which are the 4-5 largest, you know, most populous town in Uttar Pradesh, that is Kanpur, Agra, Lucknow, Varanasi, and one more city. So these five, if they can do Bharat 6, you see that straightway we can achieve a huge mitigation in one important source, that is vehicular source. Now there are other sources, Dr. Arvind Kumar talked about that. This is a very, very important point what he said, that we cannot live on purifiers. In fact, some people I meet in Delhi, they say they are creating a big hall, like a big mall, which will have purifier and it will be cleaning there, and that will become playground. Just imagine that as a kid, would you like to play in an indoor mall all your life? You would not be able to see sun, you would not be able to experience the breeze, anything, and you are just playing. Imagine the future of such kids, that they are only playing indoor. I see that kind of future we are not looking for. That means that we can definitely mitigate air pollution if we act at sources. And this is not something that has not been done. This has been achieved. America had similar problem in at least 10 of their cities in early 70s. And they have achieved development by removing air pollution, what we call today as a sustainable development. You see, London had a famous or infamous London smoke in mid-50s. Where 6,000 people died overnight. And after that, London and United Kingdom have taken a series of steps where they cut down air pollution. And now we know that United Kingdom development trajectory did not stop. What they worked on, in a very systematic way, they tried to implement policies which were based on hard scientific facts. Now the most recent example, you see, Chinese trajectory started with us in early 80s. Now of course, between 90 to 2010, they brought couple of, you know, very, very important economic reform, and that's why they surged ahead. But the point is that we started on a very similar trajectory, so therefore they also inherited kind of a dirty air what we have today. But most of us, what people who are sitting here, you know that when they were to organize Beijing Olympic in 2008, if I remember correctly, then they wanted to showcase Beijing to the people. When you do Olympics, you know,
you not only you are showing infrastructure, you are showing a beautiful city. When people come from abroad, they like to see how this city looks like, everything about that city. And they, from that time, they started doing a series of steps. And 10 years down the line, you see Beijing metropolitan, that is not only Beijing area, so it is like NCR, but much larger than NCR. They could cut down the particulate matter by 60%. So this example is the nearest to us. It is in Asia, and a country which is more populous than us today, and had a very similar trajectory and could achieve it. And how did they achieve it? There was a strong political will that air pollution is not good for the society, for the people, and for various reasons which has been talked about in Dr. Arvind Kumar's powerful speech. And so there was a very clear message to the people, to the governors of Beijing city, and then there was message about to everyone who is doing or who is carrying out any economic activity that is leading to some emission, some kind of emission. Now, this is a great opportunity for our government and us as citizens of India that if we join hands together, we can achieve it. But remember, as Dr. S.K. Mishra pointed out, that only government, or as we tend to think, that government is all powerful. Government has lots of power, but they cannot do everything. When you are talking about such a large volume of air, where everyone is doing something, and probably everyone can do something to reduce pollution, then only we can succeed. That means it is right from the government in center, Delhi government, all the governments which are actually there in the Gangetic Plain, because the problem is more focused about Gangetic Plain. Occasionally you are seeing that in Katni. Dr. Arvind Kumar pointed out that Katni has a very high air, that AQI yesterday. Those things do happen. But the problem has achieved of such a magnitude which we are discussing today, all doctors are discussing, is more focused on centric over Ganga Plains. So there are 9 states. Now if 9 states, they join hands and there are enough support from central government, we definitely can achieve what we are trying to achieve, that is clean air. Now in that context, as you know that National Clean Air Program is a huge program launched by government. Of course, they started it in a modest way. So there were some few hundreds of crores rupees were allocated, and there were 30 cities they have first listed where they wanted to clean the air. But in subsequent years, they are going to bring 70 more cities, right? And as a part of that, as Dr. Kumar pointed out, that we have formulated a national knowledge network of about 15 plus IITs and some top universities and labs, because we know that this program, if it were to succeed, the state pollution control boards have to come forward and they have to act, because state pollution control boards are the state-wide local nodal agencies which are going to implement it, and they require a lot of technical inputs, and that is how these 18 academic institutions have a tripartite with the State Pollution Board and national agency, which is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Now, what the other message, what we can give as a, you know, as a scientist first, that the government needs to think smartly, that there are several programs. Dr. Kumar pointed out that dhuan is rampant. We had several studies in Kanpur. We are currently doing a very different kind of study. This is a new technology where we can understand about sources within few days. Generally, you take years to understand what sources are operating, what exactly they are contributing. Now we can do it almost in a fortnight. Now what it tells us that you need to act on dhuan. There are rampant combustion sources operating in our cities. This is not only power plant, this is not only automobile, it is actually burning of garbage, or you see that indoor uses of dirty fuel. Now we need to think about that, can government make effective use of Ujjwala kind of scheme to really percolate that LPG
across the society, everywhere, it can dramatically bring down the level of PM, which is coming from combustion sources. Now you see, Kanpur, do we have an effective waste disposal policy? These are very important. Remember that all of us need to impress upon when we meet the local governance or the representative of the governance, or we meet the local public representatives, we have to impress upon them that these are the only ways we can achieve clean air, right? That garbage burning is another rampant thing in Kanpur. We do not have an effective waste disposal. If you do not effectively dispose waste, it's going to be burnt up, right? So we have to cut that down. Third thing, we need to move from dirty energy sources. We have a huge power plant, and you know that a lot of sulfur dioxide comes from power plant, and that easily converts into sulfate. Now we have to think about that. Can Kanpur leapfrog to more uses of solar or other kind of renewable power? So there are these three, four things which very well align with other government program schemes by which we can move in a faster way to achieve clean air by cutting down some of these dirty sources. Now there are some other steps which we are taking as a technical institutions. For example, several times Uttar Pradesh government and the federal government has talked to us to do some, take some drastic, I call them drastic because I still believe that mitigating at source is the only way forward in the long term. But sometime what we saw last week, what happened in Delhi, that you might want to try some emergency measures, for example, cloud seeding. So that is one step also government many times approached to us, and that we have tried in Kanpur, and we succeeded in that, and government wants that maybe sometime it needs to be tried at the level of NCR or some other part. Haryana government is also keen. So I'll just sum up here that just imagine that we are talking about 9 states at the least in India. Look at the overall number of population that exceeds 700 million of people. Third, this is 4 times more populous than that part of China, which was actually struggling with air pollution. So there are many such things, sources where we need to act. I think if the state government and the city government, central, we all align, and with such a strong, omnipresent network of doctors, which they have come forward and they are joining hands with the top technical institutions and their network, definitely we can do something. But remember that if you think that only government or only the, let's say, the person who is running the city or the state can do it, I think we are living in a kind of a fool's paradise. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Big round of applause for Professor Tripathi. He gave. Females से जुड़ा हुआ टॉपिक था, तो मैडम से अनुरोध है कि फीमेल्स को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, तो उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बता दें। अच्छा ठीक, तो वो करा दें। फेलिसिटेशन। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अशोक कुमार जी को, कृपया आए और हमारे स्पीकर और चेयरपर्सन को फेलिसिटेट करें। Thank you.
फोटो खींच।